आप देख रहे हैं राष्ट्रीय हिंदी न्यूज। नमस्कार, आपका बहुत बहुत स्वागत है राष्ट्रीय हिंदी न्यूज में। मेरा नाम वर्षा शर्मा और करेंगे आज की खास खबरों का। दिल्ली की तिहाड़ जेल में बंद महाठग सुकेश चंद्रशेखर ने एक बार फिर सुरक्षा व्यवस्था में सेंधमारी लगाई है। अब की बार महाठग जेल के बाहर मैसेज भिजवाते सीसीटीवी कैमरे में कैद हुआ। आरोपी तिहाड़ जेल के नर्सिंग स्टाफ को एक लेटर देकर बाहर भेज रहा था। जेल प्रशासन का कहना है कि सुकेश अपने मैसेज को इधर से उधर करवाता था। मामले में तिहाड़ जेल प्रशासन ने दिल्ली पुलिस को आरोपी नर्सिंग स्टाफ के खिलाफ कार्रवाई के लिए पत्र लिखा है। बता दें कि इससे पहले सुकेश चंद्रशेखर ने दिल्ली के तिहाड़ जेल में रहकर 200 करोड़ रुपए की ठगी की घटनाओं को अंजाम दिया था। सुकेश ने तिहाड़ जेल से ही गृह मंत्रालय का अफसर बनकर ठगी की थी। आरोपी ने आवाज बदलकर लोगों को झांसे में लिया था। आरोप है कि सुकेश ने जेल अधिकारियों को लाखों रुपए की रिश्वत देकर मोबाइल फोन का इस्तेमाल किया। जांच के बाद कई जेल अधिकारी भी इसमें गिरफ्तार हुए। ऑल्ट न्यूज के सह संस्थापक मोहम्मद जुबैर पर शिकंजा कसता जा रहा है। एक और दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट ने जुबैर की जमानत अर्जी खारिज कर 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। वहीं दूसरी ओर दिल्ली पुलिस ने फैक्ट चेकर जुबैर पर 3 और धाराएं लगा दी है। दिल्ली की अदालत ने आरोपी के कथित अपराध की प्रकृति और गंभीरता का हवाला देते हुए मोहम्मद जुबैर की जमानत याचिका खारिज कर दी। हालांकि इससे पहले जमानत की अपील करते हुए जुबैर को ये तक कहना पड़ गया कि वो कोई आतंकवादी नहीं है। जुबैर को लेकर दिल्ली पुलिस ने दावा किया कि उसे पाकिस्तान समेत कई देशों से चंदा प्राप्त हुआ है। मोहम्मद जुबैर साल 2018 में हिंदू देवता के बारे में कथित आपत्तिजनक ट्वीट करने के मामले में आरोपी है और दिल्ली पुलिस ने उनके खिलाफ भारतीय दंड संहिता IPC की धारा 120B और 201 साक्ष्य मिटाना और विदेश अनुसाधन विनियम अधिनियम की धारा 33 भी इसमें लगा दी है। शनिवार को कोर्ट में मामले की सुनवाई के दौरान सरकारी वकील अतुल श्रीवास्तव ने आरोप लगाया कि आरोपी ने पाकिस्तान, सीरिया और अन्य देशों से रेचपे पेमेंट गेटवे के माध्यम से पैसे स्वीकार किए, जिसके लिए आगे की जाँच की अभी आवश्यकता जताई जा रही है। रुक करेंगे अगली खबर का जो जुड़ी है महाराष्ट्र से। महाराष्ट्र नव निर्माण सेना के चीफ राज ठाकरे के बेटे अमित ठाकरे ने एकनाथ शिंदे सरकार के पहले ही फैसले पर सवाल उठाया है। साथ ही अमित ठाकरे ने शिंदे सरकार से इस कदम पर पुनर्विचार करने की भी अपील की है। उन्होंने अपने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि नई सरकार का नया फैसला मेरे और असंख्य पर्यावरण कार्यकर्ताओं, पर्यावरण प्रेमियों के लिए चौंकाने वाला है। राज्य के युवाओं ने पहले इस कदम के खिलाफ कड़ा संघर्ष किया था, कुछ को जेल भी भेजा गया। मनसे की छात्र शाखा के अध्यक्ष अमित ठाकरे ने आगे कहा कि विकास समय की जरूरत है, लेकिन पर्यावरण की कीमत पर नहीं। उन्होंने कहा कि हमें निश्चित रूप से विकास की आवश्यकता है, लेकिन पर्यावरण की कीमत पर नहीं। अगर हमारा पर्यावरण पूरी तरह से नष्ट हो जाएगा तो फिर राजनीति या शासन करने के लिए कोई नहीं बचेगा। राजनेताओं को इस पर ध्यान जरूर से जरूर देना चाहिए। महाराष्ट्र में एकनाथ शिंदे सरकार के आते ही मेट्रो कार शेड प्रोजेक्ट चर्चा में आ गया था। ये वही प्रोजेक्ट है जिसे लेकर शिवसेना और बीजेपी आमने सामने रही है। दरअसल महाराष्ट्र के नए डिप्टी CM देवेंद्र फडणवीस ने पद संभालते ही मेट्रो कार शेड को आरे कॉलोनी में ट्रांसफर करने के लिए निर्देश दिए हैं। सूत्रों के मुताबिक उन्हें सरकार की कानूनी टीम से कोर्ट को सूचित करने के लिए कहा कि अब मेट्रो कार शेड को आरे कॉलोनी में ट्रांसफर कर दिया जाएगा। लेकिन उनके इस फैसले को राज ठाकरे के बेटे अमित ठाकरे ने और मनसे छात्र के अध्यक्ष जो है अमित ठाकरे, इन्होंने उसको सरासर गलत बताया है और इन्होंने कहा कि विकास बेशक हो, विकास अच्छा है, लेकिन विकास की कीमत पर्यावरण को चुकानी ना पड़े। रुक करेंगे अगली खबर का। टीम इंडिया के ऑलराउंडर रविंद्र जडेजा के लिए इंडियन प्रीमियर लीग IPL का 15वां सीजन काफी निराशाजनक रहा था। IPL 2022 की शुरुआत से पहले चेन्नई सुपर किंग्स CSK ने रविंद्र जडेजा को कप्तान बना दिया था।
क्योंकि धोनी ने कप्तानी छोड़ने का फैसला लिया था, लेकिन जडेजा कप्तानी में कमाल नहीं दिखा पाए, जिसके एमएस धोनी ने फिर से कप्तानी की जिम्मेदारी संभाली थी। बाद में जडेजा चोटिल होने के चलते बाकी मैचों से बाहर हो गए थे। अब जडेजा ने आईपीएल में कप्तानी विवाद को लेकर बड़ी बात कह दी है। इंग्लैंड के खिलाफ एडजस्टन में जारी पांचवें टेस्ट मैच के दूसरे दिन की समाप्ति के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोलते हुए जडेजा ने कहा कि वो इस घटना से आगे बढ़ चुके हैं, साथ ही उनका पूरा ध्यान भारत के लिए खेलने और अच्छा प्रदर्शन करने पर है। रविंद्र जडेजा ने कहा, जो हुआ सो हुआ, आईपीएल मेरे दिमाग में नहीं था। जब भी आप भारत के लिए खेल रहे हैं तो आपका पूरा ध्यान भारतीय टीम पर होना चाहिए। मेरे लिए भी ऐसा ही था। भारत के लिए अच्छा प्रदर्शन करने से बेहतर कोई संतुष्टि मेरी नजर में नहीं है। कपिल शर्मा इंडस्ट्री के सबसे फेमस कॉमेडियन में से एक है। कपिल की कॉमेडी ने सालों से लोगों को हंसाया है। उनके शो द कपिल शर्मा और कॉमेडी नाइट्स विद कपिल का फैंस ने खूब पसंद किया था। जून के महीने से कपिल अपने कॉमेडी शो की टीम के साथ यूएस और कनाडा के टूर पर निकले हुए हैं। ऐसे में अब उन पर एक गंभीर आरोप लगाया गया है। अपनी टीम के साथ इन दिनों कपिल शर्मा कनाडा में शोज कर रहे हैं। उनके साथ टूर पर कॉमेडियन कृष्णा अभिषेक, कीपू शारदा, चंदन प्रभाकर, सुमोना चक्रवर्ती और राजीव ठाकुर भी शामिल हैं। ई टाइम्स की खबर के मुताबिक अमेरिका के एक जाने माने प्रमोटर ने कपिल शर्मा पर कॉन्ट्रैक्ट का उल्लंघन करने का इल्जाम लगाया। प्रमोटर का कहना है कि कपिल ने 6 शहरों में परफॉर्म करने का वादा किया था, जिसमें से एक में वो नहीं पहुंचे। साथ ही उन्होंने कहा कि एक शहर में परफॉर्म ना करने पर कपिल ने उन्हें नुकसान का हर्जाना भरने का वादा भी किया था, लेकिन वो इससे मुकर गए और उन्होंने वहां पहुंचने की जो कीमत है, ना पहुंचने की जो कीमत है, उसका हर्जाना भी उन्होंने अभी तक नहीं चुकाया है। कर्नाटक हाई कोर्ट के जज जस्टिस बी वीरप्पा ने कहा कि अगर वो गलती करते हैं तो फिर वो खुद अपना सिर काटने के लिए तैयार है। उन्होंने कहा कि मैं जिस जज्बे से काम करता हूं और अगर मुझसे गलती होती है तो फिर विधानसभा और हाई कोर्ट के सामने भी खड़ा होने के लिए तैयार हूं। बता दें कि गुरुवार को कोर्ट हॉल में एक वकील ने बेंच के साथ दुर्व्यवहार किया था। इस घटना का जिक्र करते हुए जस्टिस वीरप्पा ने ये बात कही। जस्टिस वीरप्पा ने कहा कि जब सदस्य जुडिशियरों के खिलाफ बेबुनियाद और निराधार आरोप लगाते हैं तो ऐसे में एडवोकेट एसोसिएशन को आगे आना चाहिए। जस्टिस वीरप्पा ने कहा कि न्यायाधीशों के पास निश्चित सीमा के बाद सुदर्शन चक्र का उपयोग करने के अलावा कोई विकल्प नहीं है। जस्टिस वीरप्पा ने इस बयान के बाद एबी के अध्यक्ष विवेक सुब्बा रेड्डी ने कहा कि वो जल्द ही इस मुद्दे पर चर्चा करेंगे। जस्टिस वीरप्पा ने कहा कि जब बार के कुछ सदस्य जजों के खिलाफ निराधार आरोप लगाते हैं तो ऐसे में एडवोकेट्स एसोसिएशन को जुडिशरी के बचाव में सामने आना चाहिए। जस्टिस वीरप्पा ने कहा कि जज इस तरह के आरोपों को कुछ हद तक तो सहन कर सकते हैं, लेकिन जब ये असहनीय हो जाते हैं तो जजों के पास ऐसे वकीलों पर सुदर्शन चक्र का उपयोग करने के अलावा कोई विकल्प नहीं रहता। रूस यूक्रेन जंग को 4 महीने से ज्यादा हो गए हैं। हमले में अब इतने लोग मारे जा चुके हैं कि उनकी गिनती करना मुश्किल है। इसी बीच मेलिटोपोल में यूक्रेनी सेना ने पलटवार करते हुए रूस के मिलिट्री बेस पर हमला कर दिया। यूक्रेनी सैनिकों ने यहां एक के बाद एक 30 मिसाइलें दागी। इधर रूस समर्थित अलगाववादियों ने यूक्रेन के पूर्वी शहर लिसिचांस्क को चारों तरफ से घेरने का दावा किया। यूक्रेनी सेना ने इन दावों को नकारते हुए कहा कि शहर की सीमा पर अलगाववादियों के साथ गोलीबारी जारी है। लुसान क्षेत्र का लिसिचांस्क आखिरी शहर है जो यूक्रेन के कब्जे में है। रूस ने यूक्रेन के उत्तरी और दक्षिणी शहरों में भी मिसाइलें दागी हैं। रूस की तरफ से किए गए हवाई हमलों में उत्तरी शहर खार्किव में रेलवे ट्रैक और बिजली की लाइनें क्षतिग्रस्त हो गई हैं, लेकिन किसी के हताहत होने की कोई खबर सामने नहीं आई। दक्षिणी शहर माइकोलाइव पर रूसी सेना ने भारी बमबारी की है। शहर के मेयर ने लोगों से शेल्टर में रहने की अपील की। रूसी रक्षा मंत्रालय ने दावा किया कि उनकी वायुसेना ने यूक्रेन की 5 कमांड पोस्ट और गोला बारूद के कई ढेर को तबाह कर दिया, लेकिन मंत्रालय के इस दावे की स्वतंत्र रूप से कोई पुष्टि नहीं की जा सकी है। फिलहाल के लिए इतना ही। बाकी देश और दुनिया की खबरों के लिए बने रहिए राष्ट्र हिंदी न्यूज के साथ। जय हिंद। आप देख रहे हैं राष्ट्रीय हिंदी न्यूज़।